बीजापुर के जंगल में लकड़ी कटाई और जानवरों के शिकार से वन अमला भी परेशान है। इन कामों को जंगल में लकड़ी के तस्कर अंजाम दे रहे हैं, जिन्हें कुछ बड़े राजनेताओं का संरक्षण मिला हुआ है। वन अमले ने ऐसे ही चार तस्करों को पकड़ा है। नक्सल प्रभावित बीजापुर जिले में इमारती लकड़ी के पेड़ों की कटाई और लकड़ी तस्करी को रोकना वन विभाग के लिए कठिन साबित हो रहा है। नक्सली खौफ का लाभ उठाकर तस्कर जहां एक और पेड़ों को काट रहे हैं, तो वहीं जंगली जानवरों का शिकार भी कर रहे हैं। ये तस्कर वन कर्मचारियों पर हमले भी करते हैं, साथ ही वन कर्मचारियों पर प्रताड़ना का आरोप लगाकर उन्हें भयभीत भी करते हैं। इन वन तस्करों को स्थानीय राजनीतिक व्यक्तियों का संरक्षण भी मिला हुआ है। जब भी कोई जंगल काटने वाला पकड़ा जाता है, तो ये नेता वन कर्मचारियों को भयभीत करने राजनीतिक तौर पर सक्रिय हो जाते हैं। भोपालपट्टनम रेंज में चार लकड़ी तस्करों को इमारती लकड़ी और औजारों के साथ पकड़ा गया। इन तस्करों पर वन कर्मचारियों पर हमला करने का भी आरोप है। भोपालपट्टनम वन परिक्षेत्र सामान्य में कल वन विभाग के कर्मचारियों द्वारा गश्ती टीम निकली हुई थी, जिसमें आदतन अपराधी जंगल में जाके सागवान बहुमूल्य प्रजाति के दो वृक्ष काटते पाए गए। उनको टीम द्वारा, गश्ती टीम द्वारा जब उनके पास पहुंचने की कोशिश की, तो उन्होंने मतलब गश्ती दल के ऊपर टंगिया और कुछ धारदार हथियार लेकर दौड़ाने का प्रयास किए, और दौड़ाने धुआं झटकी के साथ कुछ अपराधी गड्ढे में गिरे, जिसकी वजह से कहीं उनको कुछ भी चोटें आई होंगी। किंतु वन विभाग निरंतर संवेदनशील और बॉर्डर क्षेत्र होने की वजह से आए दिन वन कर्मचारियों के ऊपर हमले होते रहते हैं, और क्योंकि अवैध कटाई का शुरू से ये जो पकड़े गए हैं आदतन अपराधी हैं। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।